नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। अगर आप बिजनेस करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके बिजनेस आइडिया का फ्यूचर क्या है। आज आपको एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं और बिजनेस का फ्यूचर भी अच्छा होगा। ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया है कागज के बैग बनाने का, जिसके जरिए आप प्रदूषण को मात दे सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस प्रदूषण मुक्त है, ऐसे में भविष्य में आपके बिजनेस पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं अच्छी बात यह है कि कागज के बैग की डिमांड आजकल तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई प्रदूषण से बचना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं कागज के बैग बनाने का बिजनेस। आपको ये भी बताएंगे इस बिजनेस में कितना आपको फायदा हो सकता है। सरकार ने कई तरह के प्लास्टिक्स को बैन कर दिया है, इसमें पॉलीथीन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल तमाम दुकानों में कैरी बैग की तरह होता था। ऐसे में अब कागज और कपड़े के कैरी बैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कपड़े के कैरी बैग बेहद महंगे होते हैं, इस स्थिति में कागज के बैग काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कागज के बैग एक दो नहीं बल्कि कई तरह से बनाए जाते हैं। कुछ बैग्स में सामान बैग की तरह हैंडल होते हैं तो कुछ में हैंडल नहीं होते। वहीं कई बैग बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कागज से बनते हैं, जिन पर खास डिजाइनिंग या ब्रांडिंग की जाती है। अब तो लोग अपने खास लोगों को गिफ्ट भी कागज के बैग में देने लगे, जो एक बेहद अच्छा आइडिया। मतलब अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें काफी अच्छा स्कोप है। अगर आपको बिजनेस करने में पैसों की दिक्कत आ रही है तो आप भारत सरकार की मुद्रा स्कीम का सहारा ले सकते हैं। इसके तहत आपको लागत का करीब 75% तक लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद आसानी से लोन मिल जाएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इसकी मशीनरी खरीदनी होगी। ये मशीन अलग अलग तरह के बैग बनाने के आधार पर 3.5 लाख से 8 लाख रुपए तक मिल जाएगी। कुछ खास तरह के बैग बनाने के लिए आपको अलग मशीनरी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि आजकल ऐसी भी मशीन आ रही है जिनमें एक ही मशीन में कई साइज और डिजाइन के बैग बन सकते हैं। इसके अलावा आपको आईलेट पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे कागज के बैग के हैंडल बनाए जाएंगे। इसके लिए आपको करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का निवेश करना होगा। ये सब आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी। मशीन के अलावा आपको कुछ जगह की जरूरत होगी जहां पे आप मशीन लगाएंगे। इसके साथ साथ मशीनों को चलाने के लिए बिजली आदि की जरूरत होगी। कच्चे माल के रूप में आपको अलग अलग तरह के पेपर बैग बनाने के लिए 50 से 150 GSM के पेपर रोल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ब्रांडिंग या डिजाइन वाला बैग बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रिंटिंग का भी इंतजाम करना होगा। लागत के आधार पर आप आसानी से प्रोडक्ट को बाजार में कुछ मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। वही अगर आप गिफ्टिंग वाले या ब्रांडिंग वाले बैग बनाते हैं तो उन पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हैं, हमें लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।